फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॉइस किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बिस्किट की रेसिपी को, जिसके अंदर ना ही मैंने ओवन का यूज़ किया है, ना मैदे का और ना ही बेकिंग सोडे का। देखिए कितने बढ़िया और टेस्टी ये बिस्किट दिख रहे हैं और खाने में बहुत ही गजब के बन के तैयार होते हैं। एक बार इस रेसिपी को ज़रूर बना के देखिएगा। तो ये हैं हमारे आटा बिस्किट। मैं आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितने अंदर से खस्ता और क्रिस्पी हमारे बनके तैयार हुए हैं। ये देखिए बिल्कुल अंदर से सिके हुए। तो आइए बनाना स्टार्ट करते हैं इस हेल्दी से बिस्किट की रेसिपी को। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है और इसके साथ साथ ली है 1/2 कटोरी सूजी, फाइन वाली सूजी ली है। अगर फाइन सूजी ना हो तो आप इसे ग्राइंडर में एक बार चला लीजिए। और साथ ही इसके अंदर डाला है 1/3 कप नारियल का बुरादा। नारियल का बुरादा डालना पूरी तरह ऑप्शनल है। और साथ ही डाला है यहाँ पर 3 से 4 चम्मच देसी घी मोइन के लिए। तो इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। सूजी डालने से क्या होता है ना कि इसके अंदर एक क्रंच आता है जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है इन बिस्किट में। तो यहाँ पे अच्छे से हम घी को मसल देंगे इस आटे और सूजी के साथ, ताकि हमारा एक अच्छा सा मोइन बन जाए। तो अभी देखिए मैं इसको इस तरीके से कर रही हूँ, तो अभी अच्छा मोइन नहीं बन रहा है। तो मैं इसके अंदर 1 चम्मच देसी घी और डाल रही हूँ। टोटल मेरा 4 से 5 चम्मच देसी घी लगा था। वो डिपेंड करता है आपके आटा और सूजी पे कि कितना मोइन ये एब्जॉर्ब करते हैं। तो यहाँ पर अच्छे से देखिए मैंने मिक्स कर दिया है और अब जो है हमारा मोइन बन रहा है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैं हल्की सी ये मुट्ठी बांधूंगी और ये अच्छे से बन जाएगा। देखिए तो बस इतना ही हमें मोइन देना है। और अब हम क्या करेंगे, एक छोटा सा काम और करेंगे, इसको रख देते हैं साइड। और यहाँ मैंने एक बाउल में 1 कटोरी लिया है चीनी, इसके अंदर 1/2 कटोरी में डाल रही हूँ पानी। आप चाहें तो इसे दूध से भी बना सकते हैं, लेकिन दूध से क्या होता है ना कि ये ज़्यादा समय तक चलते नहीं है। अगर आप पानी से बनाएंगे तो 1 से 2 महीने तक बिल्कुल आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं, चाहे आप बाहर रखिए। तो अब इस तरीके से हम चीनी और पानी को इसके अंदर मिक्स करते जाएंगे। तो इस तरीके से चीनी रखनी है हमें, हमें चीनी को घोलना नहीं है बिल्कुल। उससे क्या होगा ना, जब हम बिस्किट सेकेंगे तो जो हमारी चीनी है ऊपर आएगी तो बहुत ही अच्छा टेस्ट देती है, और अंदर भी जब इसका क्रिस्प आएगा तो बहुत बढ़िया लगता है। तो यहाँ पे इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा पानी करके हम इसका एक मीडियम सॉफ्ट डो लगा लेंगे। ना ज़्यादा टाइट लगाना है और ना ज़्यादा सॉफ्ट लगाना है। जैसे कि हम पूड़ी के लिए लगाते हैं ना थोड़ा सा टाइट डो, वैसा ही हमें इसके लगाना है। तो यहाँ पर मैं अच्छे से देखिए इसको मिक्स कर रही हूँ। तो यहाँ पर अच्छे से देखिए मैंने बाकी जो बचा था वो भी डाल दिया, तो पूरा पड़ गया था मेरी 2 कटोरी आटे में ये। तो अच्छे से मैंने इसका देखिए डो लगा लिया है और बिल्कुल परफेक्ट हमारा डो तैयार हो गया है। अब इसको मैं एक बाउल में ट्रांसफर कर लेती हूँ। और अब इसमें से हम थोड़ा सा पार्ट लेंगे इसका। ये मैंने चॉपिंग बोर्ड पे इसको रख दिया है और इसका थोड़ा सा पार्ट लेके हम इसको इक्वल करेंगे और इसकी लोइयां बना लेंगे। हमें इसकी जो है ना मोटी मोटी लोइयां बनानी है। हमें इस एक लोई को ऐसे मोटा सा बेलना है और उसके बाद हम इसका आगे का प्रोसेस करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मोटी सी मैंने लोई बेल ली है और इसको अब हम बेलेंगे। तो हमें इसको ज़्यादा पतला नहीं बेलना है, मोटा मोटा ही रखना है। और उसके बाद में आगे का प्रोसेस आपको बताऊंगी कि क्या करना है। और अगर साइड जो हैं फट भी जाएं तो कोई इशू नहीं है, जब हम आगे का स्टेप करेंगे तो ये क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पर अच्छे से देखिए मैंने इसको बेल लिया है मीडियम थिकनेस का। मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना मोटा मैंने ये बेला है, ये देखिए। और अब हम क्या करेंगे ना, इसके जो एजेस है वो कट कर देंगे और एक इसका स्क्वायर बना लेंगे हम। तो आपने देखा होगा ना मार्केट में जैसे बिस्किट मिलते हैं, टाइगर बिस्किट वगैरह या हाइड एंड सीक, उसी का शेप हम इसको देंगे। आप शेप अपने अकॉर्डिंगली कोई भी दे सकते हैं, आप इसको इस सर्कल में भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक इसका स्क्वायर बना लिया है और अब मैं इसको ना 4 पीसेज में डिवाइड कर दूंगी। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको इस तरीके से पहले सेंटर से काट लिया है और फिर इसको 2 पार्ट्स में और डिवाइड कर लिया है। तो टोटल 1 पीस में हमारे 4 बन जाएंगे। और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि आगे का प्रोसेस हमें क्या करना है। अब ये देखिए इतनी थिकनेस का मैंने इसको बेला है और अब हम चाकू के बैक साइड से इस पर हल्के हल्के से ना कट मार्क लगा लेंगे। ज़्यादा आपको प्रेस नहीं करना है, बस हल्के हल्के से, ताकि जब हम इसको सेकें तो बहुत अच्छा सा एक डिज़ाइन हमारे
पास तैयार हो जाए। तो यहाँ पर देखिए सारे में मैंने कट लगा लिए और इसी तरीके से सारे मैंने जो अपने बिस्किट हैं ये तैयार कर लिए हैं, ये देखिए। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ। तो वहाँ पे मैंने तेल गरम करने के लिए रखा हुआ है बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे। तेल जब आप इसमें यूज़ करें तो बिल्कुल ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, बहुत ही हल्का गर्म होना चाहिए ताकि जब हम डालें तो बस हल्के से बबल आए। मैं आपको दिखाऊंगी कि कितना गर्म चाहिए हमें, और बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसको फ्राई करेंगे ताकि ये अंत तक बिल्कुल खस्ता और क्रिस्पी बन के तैयार हों। तो यहाँ पे जो हमारा तेल है हल्का सा गर्म हो चुका है, अब जो हम तैयार करें अपने बिस्किट ये इसके अंदर डाल देंगे। तो आप देख रहे होंगे जब मैंने इसको डाला है तो बहुत ही कम इसके अंदर देखिए बबल आ रहे हैं। तो बस हमें इतना ही तेल गर्म करना है और बस इसी फ्लेम पे हमें इसे कंटिन्यूसली कुक करना है जब तक कि ये गोल्डन कलर के ना हो जाएं। तो अभी हम इसे डालने के बाद बिल्कुल नहीं पलटेंगे, जब हमें लगेगा कि थोड़ा सा ये नीचे से क्रिस्पी हो गए हैं तब हम इसे पलटेंगे, क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट होते हैं और अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो ये टूट सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए जब मुझे लगा कि हल्का सा ये इसका कलर नीचे से चेंज हो गया तो मैं इसे पलट रही हूँ। तो बस इसी तरीके से अलट पलट के हम इसे सुनहरा कर लेंगे। तो मैं आपको पलट के दिखाती हूँ, इस पे एक हल्का सा सुनहरा कलर आ चुका है। ये देखिए हल्का सा सुनहरा कलर आ चुका है। तो बस इसी तरीके से हम जो हमारे बिस्किट हैं सारे अलट पलट के गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका और थोड़ा सा कलर चेंज हो गया है, अभी और हल्का सा हम इसको करेंगे और हमें ज़्यादा भी इसको नहीं करना है, बस मीडियम टू लो फ्लेम पे हम कंटिन्यूसली इसको करेंगे। अगर आप हाई फ्लेम पे करेंगे ना तो ऊपर से तो ये कुक हो जाएंगे लेकिन अंदर से वो क्रिस्पी नहीं रहेंगे, वो सॉफ्ट सॉफ्ट से बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसका कलर हल्का सा और चेंज हो गया है। तो बस इसी तरीके से मैं इसे अलट पलट के ब्राउन कर रही हूँ और इसको हमें ज़्यादा ब्राउन भी नहीं करना क्योंकि जो आटा होता है अपनी स्टीम में भी कुक होता है बाद में। तो मैं आपको दिखाऊंगी कि किस स्टेज पे हमें इनको निकाल लेना है। एक बैच होने में आपको 4 से 5 मिनट का टाइम लगेगा, तो थोड़ा पेशेंस के साथ इसको बनाइएगा तो बहुत ही टेस्टी और हेल्दी बिस्किट आपके घर पे बन के तैयार हो जाएंगे। तो ये देखिए जब ये हल्के से सुनहरे हो जाए ना तभी हम इसको निकाल लेंगे, क्योंकि अपनी स्टीम में भी ये होंगे तो अगर हम ज़्यादा करेंगे तो ये फिर और ज़्यादा ब्राउन कलर के हो जाएंगे और वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते फिर। तो यहाँ पे देखिए सारे बिस्किट मैंने इसी तरीके से तैयार कर लिए हैं। तो रेडी है हमारे आटे के बहुत ही हेल्दी से और टेस्टी से बिस्किट। रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनों के साथ रहिए और मेरी वीडियोज़ को इंजॉय करते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।